हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग में कल्कि अवतार आ चुके हैं और उन्होंने अपना कार्य उसकी शुरुआत कर दी है। लेकिन कहते हैं युगों युगों से अष्ट चिरंजीवी वेट कर रहे थे कि कब कल्कि अवतार आएंगे और उनकी मुलाकात होगी, ताकि वो इस कलयुग की लड़ाई को लड़ने के लिए कल्कि भगवान का साथ दे सकें। मैं आज अपने वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि वो अष्ट चिरंजीवी कहाँ पर वेट कर रहे हैं, कौन सी है वो जगह जहाँ पर कल्कि भगवान उनसे मिलेंगे, उनकी मुलाकात होगी, मीटिंग पॉइंट वो कौन सी है, कहाँ पर है वो मीटिंग पॉइंट, कौन से वो अष्ट चिरंजीवी हैं और किस तरह से वो कल्कि भगवान का साथ देंगे कलयुग की लड़ाई लड़ने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को ही पता होगा, लेकिन फिर से एक बार मैं नाम बता दे रही हूँ, वो अष्ट चिरंजीवी होंगे हनुमान जी, अश्वत्थामा, परशुराम, राजा बलि, विभीषण, ऋषि मार्कंडेय, कृपाचार्य और वेद व्यास। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं महाभारत के टाइम से जुड़े हुए हैं कल्कि भगवान के साथ, यानी विश्व भगवान के साथ। अब ये अष्ट चिरंजीवी जो हैं, युगों युगों से उनकी आत्मा, उनकी अमर आत्माएं वेट कर रही हैं कि कब कलयुग में कल्कि भगवान का जन्म होगा और कब वो उनसे मुलाकात करेंगे और किस तरह से उनके कार्यों में वो सहयोग देंगे। सबसे पहले अब मैं आपको बता रही हूँ उनके नाम बताने के बाद कि वो प्लेस कहाँ है जहाँ पर ये अष्ट चिरंजीवी वेट कर रहे हैं कल्कि भगवान का। महाराष्ट्र, सब लोग जानते होंगे महाराष्ट्र का नाम। महाराष्ट्र में औरंगाबाद वो शहर है जहाँ पर की अजंता एलोरा की वर्ल्ड फेमस गुफाएं हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, मैं विजिट कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों को मौका मिले एक बार अवश्य ही जाइए। वहाँ पर अजंता एलोरा केव्स में, एलोरा केव्स जो हैं, एलोरा की गुफाएं जो हैं, वहाँ पर एक कैलाश मंदिर है और यहाँ पर इस कैलाश मंदिर में एक भगवान शिव का शिवलिंग है बहुत बड़ा। एलोरा केव्स में सब जगह आप जहाँ देखेंगे मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं, लेकिन मैं सारे मंदिरों की नहीं बल्कि उस कैलाश मंदिर की बात कर रही हूँ जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा शिवलिंग है। उस शिवलिंग की रोज पूजा नहीं होती है, ना ही उस पर कोई फूलमाला या बेलपत्र या पानी चढ़ाया जाता है, अलाउड नहीं है, आप सिर्फ उसे देख सकते हैं। उस शिवलिंग पर, उस शिवलिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे गुप्त तहखाने हैं, यानी सुरंगे हैं, तहखाने भी नहीं कहा जा सकता, सुरंगे हैं। उन सुरंगों में आज भी कहा जाता है ये अष्ट चिरंजीवी वेट कर रहे हैं, यानी औरंगाबाद में जो अजंता एलोरा केव्स है, एलोरा केव्स में कैलाश मंदिर जो है वो शिव मंदिर जहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग और उसके अंदर वो सुरंगे हैं जहाँ पर कि आम लोग यानी कॉमन पब्लिक का जाना मना है, नहीं पहुँच सकते हैं। कहा जाता है आज से करीब 100 साल पहले दो इतिहासकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि वहाँ पर जाने की कोशिश की थी। उनमें से एक इतिहासकार अंदर पहुँच गया था, वो उसने कुछ ऐसी आकृतियाँ देखी जिसके अंदर वो साफ आकृति वो नहीं देख पाया, लेकिन उसे ऐसा लगा कि 7-8 लोगों की आकृति उसने देखी, बहुत ही ज़्यादा प्रकाश था। उसने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की उन चित्रों को, उन आकृतियों को, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लोगों ने जब पता चला तो पकड़ के उसे बाहर निकाल दिया। उसी ने अपने किताब में ये वर्णन किया है और बाकी लोग जो वहाँ पर जाते हैं उनको भी उस जगह पर जाने के लिए सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, रेस्ट्रिक्शन सभी लगा दिए गए हैं, यानी अब उन सुरंगों में कोई नहीं जा सकता। ये एक ही चट्टान से ये बनाया गया है पूरा मंदिर, ये जो कैलाश मंदिर है बहुत ही सुंदर मंदिर, प्राचीन मंदिर, कई हजारों वर्ष पुराना है। एक बार अगर आप लोग विजिट करें तो बहुत ही अच्छा होगा, आप लोग भी देख पाएंगे, उस शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे और उस जगह को भी देख पाएंगे। कहा जाता है इन्हीं सुरंगों के अंदर वो अष्ट चिरंजीवी आज भी कल्कि अवतार का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी मुलाकात होनी बाकी है। कल्कि अवतार के जन्म के पश्चात
चूंकि अभी उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही है, उनके अभी ट्रेनिंग चल रही है किस तरह से वो अपने अस्त्र शस्त्र चलाएंगे, तो उनको अभी उस तरह की चूंकि उनके गुरु के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है इसलिए अभी उनकी मुलाकात उस जगह पर नहीं हुई है। लेकिन वो जाएंगे वहाँ पर, वो अष्ट चिरंजीवी से मुलाकात भी होगी और वो लोग, वो अष्ट चिरंजीवी कल्कि अवतार की मदद करेंगे कलयुग की लड़ाई लड़ने के लिए और उसमें विजय दिलाने के लिए, क्योंकि अपनी अपनी तरह से वो अष्ट चिरंजीवी जो कि अमर आत्माएं हैं, युगों युगों से उनको कहा गया है कि आपको वेट करना है कल्कि भगवान के लिए, विष्णु भगवान के 10वें अवतार के लिए जब वो आएंगे और उन्हें अपनी शक्तियों के द्वारा, क्योंकि इनके पास है अपार शक्तियाँ, भले ही कल्कि भगवान के पास बहुत सारी शक्तियाँ होंगी, अष्ट सिद्धियाँ होंगी, लेकिन इनकी शक्तियों का भी उपयोग कल्कि भगवान करेंगे कलयुग की लड़ाई लड़ने के लिए, यहाँ के अधर्मियों का नाश करने के लिए और सतयुग की स्थापना करने के लिए। ये प्राचीन मंदिर जो कि एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है, अद्भुत कलाकृति का उत्कृष्ट नमूना है। एक बार आप लोग जरूर विजिट कीजिए, आप भी वहाँ की भव्यता देखकर, वहाँ की सुंदरता देखकर आकर्षित हुए बिना नहीं रहेंगे। तो आज मैंने अपने वीडियो में बताया कि कल्कि भगवान क्यों विजिट करेंगे उस जगह पर जहाँ पर कि अष्ट चिरंजीवी आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है, ताकि वो उनको अपनी शक्ति प्रदान कर सके और अपनी तरफ से जितनी मदद हो सके कलयुग की लड़ाई लड़ने में मदद कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।